नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी जंपसूट के पांचवें भाग को लेकर हाजिर हूँ। तो हमने ये हुडी को 20 सेंटीमीटर बना लिया है। 10 सेंटीमीटर में हमने फंदे बढ़ाए हैं दोनों साइड में और बीच में। दोनों साइड में दो दो फंदे यानी चार फंदे और बीच में दो फंदे। तो फंदे बढ़ाते हुए हम 10 सेंटीमीटर में 112 फंदे कर लिए हैं। फिर 112 फंदों को लेकर हमने 10 सेंटीमीटर और बुनाई कर ली है और टोटल बुनाई 120 सेंटीमीटर हो गई है। तो अब हम इसके दो पार्ट करेंगे। चूँकि हमारे हुडी में 112 फंदे हैं तो इसलिए हम इसके दो पार्ट करेंगे, यानी 56 फंदे 56 स्टिचेस इस साइड में और 56 स्टिचेस दूसरी साइड में। तो हम 56 स्टिचेस बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 112 फंदों को दो हिस्सों में बांट दिया है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, तो 56 फंदे 56 स्टिचेस इधर हैं और 56 स्टिचेस इधर हैं। तो अब हमको फिर यहाँ पे मार्कर लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, मार्कर के ये हमारा मिडिल पॉइंट है। मार्कर के इस साइड में, दाहिनी साइड में और मार्कर के बाएं साइड में हर सीधी लाइन में हमें दो फंदा घटाना होगा। यानी हम अगर दो को एक साथ बुन लेंगे तो एक फंदा घट जाएगा। तो हम एक फंदा यहाँ घटा लेते हैं। दो को बुन लिया, एक फंदा घट गया। अब मार्कर को दूसरी तरफ कर लेंगे और दूसरी साइड भी एक फंदा घटा लेंगे। यानी दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुन लेंगे, एक फंदा घट गया। तो हमने दोनों साइड में एक एक फंदा घटा लिया है, यानी कि दो फंदा घटा लिया है। और फिर अब शेष फंदे सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम मार्कर के पास आ गए हैं। तो अब हम मार्कर को ऐसे मार्कर को दूसरी सिलाई में ले लेंगे और फिर सभी फंदे उल्टे बुनते हुए दूसरी साइड में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम सीधा बुनते हुए मार्कर के पास आ गए हैं। तो फिर हमें इस लाइन में भी दो फंदों को एक साथ लेना है और एक सीधा बना लेना है। यानी हमने एक फंदा घटाया, मार्कर को दूसरी ओर किया और दूसरे साइड से भी हमें एक फंदा घटा देना होगा। फिर सारे फंदों को हम बुनते हुए दूसरी साइड में आ जाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम बुनते हुए मार्कर के पास आ गए हैं। तो इस लाइन में भी हमें दो फंदे दो का एक करना होगा। यानी हमने इधर मार्कर के इस साइड में तीसरा फंदा घटा लिया। तीन सीधी लाइन में हर लाइन में हमें एक एक फंदा घटाना है मार्कर के दोनों तरफ। तो ये तीसरा फंदा घटा, मार्कर को दूसरी ओर किया और इधर भी एक फंदा घटा लेंगे। ये हमारा छठा फंदा घट गया। बाकी फंदे हम बुन लेंगे। तो फ्रेंड, हमने 6 फंदे घटा लिए हैं और इसके साथ ही हुडी की बुनाई ख़त्म हो गई है और अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो अब मार्कर के एक ओर के फंदे एक सिलाई पे करने हैं और दूसरे ओर के फंदे एक सिलाई पे करने हैं, क्योंकि इस सिलाई में हम सिलाई करेंगे। और ये ध्यान देना होगा कि सिलाई का पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो हम इन फंदों को दो सिलाई में कर लेते हैं। हमने दोनों सिरे
दोनों हिस्से के फंदों को दो सिलाई में कर लिया है। दोनों के पॉइंटेड सिरे जो हैं वो सामने की तरफ हैं। और इधर हमने छः फंदा घटाया था, तो देखिए छः फंदा घटाने से यहाँ पे गुलाई आ गई है। तो अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हम लंबा धागा काट लेंगे और सुई में धागा डाल लेंगे। और अब हम इसकी सिलाई करते हैं जैसे कि हमने कंधे पे किया था। सिलाई सेम कंधे जैसा ही करना है। देखिए यहाँ पे चूँकि दो उल्टे के बीच में एक लाइन सीधा होता है, इसलिए हम कंधे वाली सिलाई यानी जैसे हम सीधे की तरफ से करते हैं वही वैसे ही हमें सिलाई करनी है। सिले हुए फंदे के ऊपर से और जो सिलना है उसे अंदर से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बॉर्डर सिला गया है। और यहाँ देखिए यहाँ ये दो उल्टी धारियाँ थी उसके बीच में सिला गया है और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने कंधे पे बताया था सेम वैसे ही सिलाई करना है। जो फंदा सिला जा चुका है उसमें ऊपर से और जो सिलाई में लगा है उसमें अंदर से ऐसे सिलना है। जो फंदा सिला जा चुका है उसमें ऐसे ऊपर से और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें अंदर से सुई डालना है। देखिए फ्रेंड्स, एक आस्तीन मैंने इसमें सिल लिया है, हुडी बन गया है। ये एक आस्तीन मैंने सिल दिया है और ये नीचे का पोर्शन। तो आस्तीन में मैंने 36 फंदे डाले थे, 36 स्टिचेस। और बॉर्डर के बाद सीधे जब दूसरा रंग का ऊन लगाया तो सीधे 12 फंदे मैंने बढ़ा दिए, यानी अब 36 फंदे यहाँ थे, 12 फंदे बढ़ा दिए यानी 48 फंदे हो गए। फिर हर सातवीं सिलाई में दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाते गए और अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू रखते गए। और लास्ट में ऊपर की तरफ यहाँ पे मेरे 64 फंदे हैं। ऊपर की तरफ 64 फंदे बढ़ाते बढ़ाते मैंने 64 फंदे कर लिए। और इसकी लंबाई लगभग 9 इंच है और सेंटीमीटर में देखें तो लगभग 23 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे सिलते हुए मैं इस साइड में आ गई हूँ। अब हमें आस्तीन सिलना है, तो इसे या तो हम उल्टी साइड से सिल सकते हैं या फिर सीधी साइड से, किसी भी साइड से सिल सकते हैं। ये दोनों साइड से एक ही तरह
आएगा। सिलाई जैसे हमने यहाँ किया है सेम वैसे यहाँ भी करना है। तो सारे फंदे सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हाथ की सिलाई हो गई है। अब इस धागे को हमें अंदर की तरफ कर देना है। हुड बन गया, दोनों बाह लग गए, बटन लग गया और अब हमें पैरों की सिलाई करनी है। तो पैरों की सिलाई भी हम ऐसे ही करेंगे। बस ये ध्यान देंगे कि ये दोनों हिस्से जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। इधर भी हमने 7 फंदे बढ़ाए थे तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे आने चाहिए। और बटन होल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और जिसमें बटन लगा है वो नीचे रहेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद हम ऐसे ही जैसे हम सिलाई कर रहे हैं वैसे ही सेम सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेबी जंपसूट बनके तैयार है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।